तो आपको आपके अपने चैनल मेडिसिन इंफॉर्मेशन में। दोस्तों आज हम ब्लड कलेक्शन के बारे में बात करते हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हम ब्लड कलेक्शन सीखने वाले हैं। इसमें सबसे पहले आपने पेशेंट को रिलैक्स बिठाना है। इसके बाद जो रिक्वायरमेंट हम देखेंगे क्या क्या है उसमें, इसके लिए हमें टोर्निकेट बेल्ट चाहिए, इसके बाद हमें कॉटन स्वैप हमें चाहिए, इसके अलावा हमें सिरिंज चाहिए रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि कितना ब्लड हमें लेना है, और उसके अलावा हमें वायल चाहिए जिसमें हमें सैंपल ट्रांसफ़र करना है। इसके अलावा हम पेशेंट को मुट्ठी बांधने को कहते हैं और टोर्निकेट बेल्ट लगाते हैं। पेशेंट को टोर्निकेट बेल्ट बांधने के बाद हमें पेशेंट के वेन को और वेन और अच्छे से दिखाई देने लगते हैं। हमें वेन सेलेक्ट करना है, जो वेन क्लियर होगा हम उस वेन से सैंपल ड्रा करेंगे। उसके बाद हमें पहले सिरिंज को चेक करना है कि सिरिंज का पिस्टन वगैरह अच्छी तरह से वर्क कर रहा है कि निडल को भी, और निडल को भी हमें सेट करेंगे क्योंकि पहले निडल थोड़ा लूज़ होता है नए सिरिंज का, तो हम उसे टाइट करते हैं। इसके अलावा निडल का ओपन वाला एरिया आपको दिखाई दे रहा होगा, इसे हमेशा ऊपर की तरफ रखना है। ये सब करने के बाद सबसे पहले हम स्वैप से इस एरिया को क्लीन करते हैं। ये देखें आप, हम इसे किस तरह से क्लियर करते हैं। क्लीन करने के बाद दोबारा आपने इस जगह को हाथ नहीं लगाना है। इस तरीके से हमें इसे अच्छी तरह क्लीन करते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि वेन किस तरह से क्लियर नज़र आ रहे हैं। तो इसके बाद आपने सिरिंज को तकरीबन 30 डिग्री के एंगल से पकड़ना है। उसके अलावा आप देखें, मैं लेफ़्ट हैंड के तम से हल्का सा वेन को पीछे की तरफ खींच रहा हूँ। इसके बाद जैसे ही हम निडल को ब्रिक करते हैं तो ये देख रहे हैं आपको निडल में ब्लड नज़र आ रहा होगा। इसके बाद जैसे ही ब्लड निडल में नज़र आ जाए तो आपने पिस्टन को आराम आराम से पीछे खींचना है। जैसे ही आप आराम आराम से खींचेंगे आपका ब्लड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आता जाएगा। इसके बाद हमें जितना ज़रूरत होगा उस हिसाब से हम ब्लड लेंगे, और फिर पेशेंट को मुट्ठी खोलने को कहते हैं और साथ में टोर्निकेट बेल्ट भी खोलेंगे। इसके बाद हमें काटन लगा के निडल को बाहर की तरफ निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, ये कंप्लीट प्रोसीजर है सैंपल ड्रा करने का।